अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद है आप सभी बिल्कुल ठीक है और खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में। मुझे एक बात डिस्कस करनी थी कि मैं माउंटेन सीरीज़ लेकर आ रही थी आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पिछले व्लॉग में एक लोगों ने कहा था कि आप माउंटेन सीरीज़ लेकर आए, तो मैं बहुत ज़्यादा दिल से सॉरी कहती हूँ उन सबको, ठीक है, क्योंकि मैं उनकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर सकती। मैंने बहुत ट्राई करा। अब आप ये टेक्सचर देख रहे हैं, ये जो है ना, ये मैंने माउंटेन ही बनाए थे, ठीक है। ये देख रहे होंगे आप, वो देख रहे होंगे आप, ठीक है, और वो देख रहे होंगे, वो तो मैंने बना ली थी ये, ठीक है। मसला ये हुआ है कि ये मैंने बना तो लिए, लेकिन ये जब मैं तोड़ने पे आई हूँ क्रम्बलिंग वीडियो बनाने के लिए, तो ये इतने हार्ड हैं कि इन्होंने मेरे हाथों को ज़ख्मी कर दिया है, ठीक है। अब आप लोग मुझे खुद बताओ मैं कैसे इनको क्रम्बल करूँ। ये इतना हार्ड था, चारकोल कभी मेरा हार्ड नहीं होता, बट वो माउंटेन जब हम बनाते हैं तो उसमें पानी ज़्यादा डलता है ना, लाइक देखें इसमें कितना पानी डला है, तभी ये स्टैंड एक माउंटेन शेप आई है, वो देखें। तो इस वजह से जो है ये नहीं बन, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया टेक्सचर। तो मैं बहुत ज़्यादा दिल से उन सबको सॉरी कहती हूँ जिन्होंने मुझे कहा था माउंटेन सीरीज़ लेकर आए आप। तो अब आप लोग मुझे इस व्लॉग के नीचे कमेंट करके बताओ आपको कौन सी दूसरी सीरीज़ चाहिए, क्योंकि माउंटेन सीरीज़ तो बिल्कुल फेल हो गई, और ये सब जो है ना, ये टेक्सचर ये व्लॉग में ही क्रम्बल कर दूँगी ताकि आप लोग भी खुश हो जाओ, ठीक है। क्योंकि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, देख रहे होंगे आप, सॉइल हो रहे हैं हाथ, तो बहुत ज़्यादा मेरे दर्द भी कर रहे हैं हाथ, दूसरे हाथ में भी मेरे बहुत दर्द है। मैं बहुत ट्राई कर रहा, 3 वीडियोस तो मैंने बना ली हुआ, तो वही मैं रिकॉर्ड कर दूँगी, बट वो सीरीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करेगा, मैंने बहुत ट्राई करा, बट मेरे टेक्सचर शायद ज़्यादा पानी अफोर्ड नहीं कर पाते। ये भी अभी तक गीला है, फिर भी इतने हार्ड है ना टेक्स्चर, तो मैंने यहीं रोक दी वीडियो, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब आप लोग दूसरी कोई मुझे बताओ तो फिर मैं वो ज़रूर ट्राई करूँगी, ठीक है, आप लोगों के नहीं, क्योंकि मैं माजरत करती हूँ मुझसे नहीं हो पा रहे क्रम्बल, ठीक है। बाकी जो है ना, ये थोड़े बहुत जो वेट हैं ये तो हो ही जाएंगे क्योंकि वेट हैं, तो ये थोड़े मैं क्रम्बल कर देती हूँ। ऊपर से बच्चों ने इतना शोर मचाया है, वैसे ही टाइम नहीं मिलता, और जब टाइम मिलता है तो इनका शोर ख़त्म नहीं होता है। तो आप लोग जो है ना क्रम्बलिंग इसी में इंजॉय कर लो, और मैं दिल से सॉरी कहती हूँ सबको, ठीक है। कभी कभी यार होता है ऐसा कि हम पूरी नहीं कर पाते रिक्वेस्ट, तो आप लोगों ने नाराज़ नहीं होना है मुझसे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ बताओ तो फिर मैं वो ट्राई करूँगी। ये देखें कितना, ये जो ड्राई है ना, ये देखें कितना हार्ड है, पत्थर बना हुआ है ये। ये देखें आप लोगों के सामने, मैं पूरी अपनी जान लगा रही हूँ, देख ले पूरी जान, फिर भी नहीं हो रहा ये। देखें आप कितना हार्ड हुआ हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या ही करूं, मुझे बताएं। चले मैं उसको तोड़ती हूँ, फिर उसको भी चेक कर लेती हूँ, वरना फिर मैं ब्लॉग में ही क्रम्बलिंग कर लूँगी अगर वो भी हार्ड हुआ। यहाँ पे मैंने जो है चारकोल की करी थी वीडियो, ये भी इतना हार्ड था, इसी ने सबसे ज़्यादा मुझे ज़ख्मी करा है, क्योंकि इसमें असल में चारकोल है ना, तो वो बहुत ज़्यादा मेरे हाथों को दर्द करता है, क्योंकि वो चंक्स टाइप है। तो ये देखें जैसे ये है, तो इसने मेरे बहुत दर्द किया है, ठीक है। यहाँ पे ये ब्राउन सैंड की करी है, ये अच्छी बनी है थोड़ी वीडियो, ये मैं एडिट करके डाल दूँगी।
ठीक है। और यहाँ पे जो है ना ये एशेज वाला जो टेक्सचर है इसकी भी थोड़ी बहुत बेहतर बनी है, तो मैं इसकी भी एडिट करके डाल दूँगी, ठीक है। तो कुछ की तो आप लोगों को मिल जाएंगी बट कुछ की नहीं मिलेंगी। मैं आपको ब्लॉक टेक्सचर की तरफ लेके चलती हूँ, उसके भी हम व्लॉग में ही क्रम्बलिंग कर लेते हैं। ये रहा मेरा ब्लॉक टेक्सचर, ये बहुत हार्ड, ये भी हार्ड हो गया था, इसके भी माउंटेन मैंने बनाए थे, तो उसके हम व्लॉग में ही कर लेते हैं क्रम्बलिंग। देख रहे हैं हर चीज़ बारिश की वजह से जो है ना हार्ड हुई हुई है हर चीज़। बहुत मुश्किल हो गया सच में वीडियोस बनाना, ज़्यादा ना मुश्किल हो गया वीडियोस वगैरह का काम करना। अब आप पीछे शोर देख लो खुद ही, और बारिश ने ना इन टेक्सचरों को और हार्ड कर दिया, नमी नमी सी आ गई है इनमें। इन बच्चों का इतना शोर है ना और आंटी का इतना शोर है कि मुझे व्लॉग में भी इतनी एडिटिंग करनी पड़ती है ना, कसम से इतनी एडिटिंग मैं आपको क्या ही बताऊं। लाइक ऐसा लगता है मैं पूरी एक वीडियो बना रही हूँ, जबकि व्लॉग का मकसद होता है एक लगातार एक व्लॉग बनाना, लाइक उसमें एडिटिंग का कोई इतना इशू नहीं होता, बट इनका इतना शोर होता है कि मुझे एडिटिंग करनी ही पड़ती है, पता नहीं क्या मसला है। ये मेरा मल्टी स्टोरी टेक्सचर है, ठीक है। तो हम इसकी क्रम्बलिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, अगर ये ठीक हुआ माउंटेन तो फिर हम इसको वीडियो में एडिट कर दूंगी, अदरवाइज़ ये व्लॉग में ही चलेगा पार्ट, ठीक है। तो चुपचाप इसके हम क्रम्बलिंग करते हैं। टेक्सचर देख रहे हैं आप लोग कितना डस्टी है, इसको हम थोड़ा सा प्ले कर लेते हैं, ठीक है। देखें कितना डस्टी है,
तो गाइस ये वीडियो भी मैं रिकॉर्ड ही कर रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये भी हार्ड हो गया और वेट है, और हार्ड है मतलब वेट में भी ये हार्ड ही है। सोचे ये ड्राई होके क्या हाल करेगा, मेरे हाथों पे पता नहीं आपको रेड रेड दिख रहा है, नहीं कैमरे में नहीं दिख रहा, बट ये फुल रेड हो रहा है दर्द की वजह से मेरे ना। तो मैं इस सीरीज़ को यहीं पर स्टॉप करती हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह मुझे दूसरी वीडियोज़ बताएगा कोई और नई सीरीज़, तो फिर मैं उस पर कंटिन्यू करूँगी अपना वर्क, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है हाथों में। तो यही ना हो मैं और भी वीडियोस बनाने से ही रह जाऊं, तो इसकी आप ब्लॉग में ही क्रम्बलिंग एंजॉय कर लो। ये देखें सो गाइस मैं भी ज़रा नीचे गई थी, अभी अभी ऊपर आई हूँ, तो ये टेक्सचर भी कर लिया, नहीं बना, ठीक है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, मैं क्या क्या बार बार एक ही बार रिपीट करूँ, तो मैं इसको बाद में तोड़ूँगी, उसको बाद में तोड़ूँगी, ठीक है। जब मैं उन्हें तोड़ूँगी तो मैं उसकी जो क्रम्बलिंग है ना मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी, बट अभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि इसको तोड़ने के बजाय इसको और उसको पहले मैं ये और अपने जो पीछे टेक्सचर्स हैं उनकी पहले मैं शेप बना लूँ, क्योंकि अगर मैं इस इतना तोड़ती रहूँगी ना तो बिखरावा जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। मेरे पास स्पेस आपको पता है ऑलरेडी कम ही है, ठीक है। तो मैं अपना काम क्लीन तरीके से करती हूँ, मैं इन सबकी शेप्स बना लूँ, फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। व्लॉग आप लोगों ने पूरा देखना है, ठीक है। अब मैंने इतनी मेहनत करके माउंटेन बनाए बट ये फेल हो गए, तो इसमें ना मेरा कसूर, ना आपका कसूर, ना मेरे मोबाइल का कसूर, ठीक है। तो अब ये होने थे तो वो हो ही गए, बस इनकी किस्मत में नहीं था कि एक ही सीरीज है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, आप लोग मुझे कमेंट में बता दो अब मैं दूसरी क्या लिख कर रहा हूँ, तो मैं इंशाल्लाह उस पर ट्राई ज़रूर करूँगी, और वो कामयाब हो गई तो आपको उसकी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ओके ओके माई फैमिली, ओके ना। तो अभी मेरा सांस भी फूल रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी इनकी शेप्स बनाऊँ, क्योंकि आप लोगों को पता है अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, मगरब जल्दी हो रही है, अभी असर हुई है, मगरब होने वाली हो जाएगी होगी थोड़ी देर बाद, तो अंधेरा तो पता है बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैं जल्दी जल्दी इनकी शेप्स बना लूँ ताकि मेरे लिए काम ना बढ़े ज़्यादा, ठीक है। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, स्टे ट्यून्ड। सो गाइस मैं अब जो है मैं अभी पता ही नहीं क्या टाइम हो रहा है, यहाँ से 37 हो रहा है, जबकि मैं 4 बजे से ऊपर आई हुई हूँ। तो मैंने शेप्स बना लिए हैं, इस पर पानी डाल के रख दिया, इसके मैं चंक्स निकालूंगी या स्लैब्स निकालूंगी। ये शेप्स बना दी, ये नहीं तोड़ा मैंने, जैसे मैंने पहले कहा था वो शेप्स मैंने बना दी हैं, ये देखें, ये भी नहीं तोड़ा जैसे मैंने कहा था, ये शेप्स बना दी, यहाँ पे मैंने ये शेप्स बना दी हैं, ठीक है। इस पर पानी डाल दिया ताकि इसके स्लैब्स निकल आएँ थिन थिन से, यहाँ पे चारकोल की मैंने बॉल्स बनाई है इज़ाफ़ा, और एशेस मैं जैसे बना दी हूँ कि इसका इसकी शेप्स नहीं बनती मेरे स्ट्रक्चर की, हार्ड हो जाती है, तो मैं इसको उसी तरह बना दूँगी, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, इंशाल्लाह नए ब्लॉग में मिलेंगे। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत का काम था, अल्लाह का शुक्र, ठीक है। तो आप लोग लाइक करना ज़रूर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, देखना पूरा, ओके, अपना ख्याल रखो, कमेंट का ज़रूर करना कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, और मुझे सीरीज़ का भी बताना, ओके, अल्लाह हाफिज़।